नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से होंगे उम्मीदवार। अब तक कुल 179 ग्रामों की घोषणा। 51 सांसद और 71 विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल। मिजोरम में पत्थर की खदान धसी, 8 मजदूरों के शव मिले, 4 की तलाश जारी, सभी बिहार के रहने वाले थे। श्रद्धा मर्डर केस में दोस्तों का दावा, उसने जुलाई में कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा, घर वालों को भी बताया था। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, बोले पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार। अंबेडकर नगर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर किया नोटिस चस्पा, नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोप। गाजियाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी में दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई, पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव, ग्रीन शक्ति ग्रीन अपार्टमेंट में लिफ्ट पर के डक्टिंग में मिला शव। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर, 48 घंटे के अंदर डेंगू बेकाबू, दूसरी मौत पिछले 24 घंटे में, 45 नए मरीज। हरदोई में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेसियों ने दमखम दिखाया, शहर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। आसियान बैठक के बाद कंबोडिया के पीएम हुन सेन कोरोना संक्रमित, बाली ने इकट्ठा हुए विश्वभर के शीर्ष नेता। G20 में मिले बाइडेन और जिनपिंग, ताइवान मुद्दे पर चीनी ड्रैगन को शांत करने की कोशिश। अमेजन में 10,000 कर्मचारियों के निकालने की तैयारी, घाटे की वजह से हुआ फैसला, कंपनी में इंसानों की जगह ले रहा है रोबोट। साइकिल चोरों से परेशान अमेरिका का शहर, लोगों ने जीपीएस लगवा रहे हैं, चोरी की कंप्लेंट से परेशान कई पुलिस वालों ने छोड़ी नौकरी। यूएनजीए में रखा गया प्रस्ताव, यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दें, रूस वोटिंग से दूर रहा भारत, 94 देशों ने पक्ष में डाला वोट। भारत के खिलाफ सीरीज में के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान, वोल्ट और गुप्टिल को किया गया आराम। आईपीएल मिनी ऑक्शन का हिस्सा बने बेन स्टोक्स, सभी फ्रेंचाइजियों को है उनका इंतजार। कारण पोलार्ड पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा मुंबई इंडियंस के लिए फैसला आसान नहीं। आईपीएल 2023 का हिस्सा नहीं बनेंगे पैट किम्स और मिचेल स्टार्क्स, मुंबई इंडियंस के कायरन पोलार्ड्स को किया रिलीज। तलाक की अफवाहों के बीच शोएब मलिक ने खास अंदाज में सानिया मिर्जा को बर्थडे की बधाई दी, फैंस हो रहे हैं कंफ्यूज। सलमान शाहरुख के साथ दिखेंगी टीवी एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही हाथ लगी टाइगर और जवान। अर्चना गौतम बिग बॉस के घर में वापसी, कभी टीआरपी तो कभी फैंस की डिमांड पर मेकर्स ने निक्की तमोली समेत इन कंटेस्टेंट्स को कराई दी एंट्री। दुनिया भर में ब्लैक पैंथर की दहाड़, हॉलीवुड फिल्म वकांडा फॉरएवर ने 3 दिन में कमाए 2678 करोड़ रुपए। एक बार फिर अतरंगी आउटफिट में दिखे रणबीर सिंह, मुंबई एयरपोर्ट पर सोनू सूद, सोफी चौधरी समेत कई सेलिब्रिटीज आई नजर।
पाकिस्तान को एक्सपोज करने अदनान सामी ने कहा, हर कोई पूछता है पाक क्यों छोड़ा, मुझे वहाँ एस्टेब्लिशमेंट से है बहुत दिक्कत है। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।